नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चापुरा शार्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने कपड़े को रोल करके फिर नॉट लगाई थी। आज हम कपड़े में गैदर्स डाल के फिर नॉट लगाएंगे। देखते हैं दोनों में क्या अंतर आता है। दोस्तों, आज हम सेकंड नॉट जो बना रहे हैं वो है गैदर्ड एंड नॉटेड। इसके लिए भी मैंने ये मलमल का पतला कपड़ा लिया है। पतला कपड़ा लेने का रीजन यही है कि इसमें नॉट आसानी से लग जाती है। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये प्योर कॉटन होना चाहिए, सिंथेटिक मिक्स नहीं होना चाहिए। अब इसमें गैदर्स हम दो तरह से डाल सकते हैं, एक तो इधर से इसको इकट्ठा करके और एक डायगनली इकट्ठा करके। तो जैसे भी आपको ज्यादा अच्छा लगे आप वैसे डाल सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे सीधा इकट्ठा करके फिर गैदर्स डालूंगी। बस ये हमको ध्यान रखना है कि इसमें गैदर्स ही आनी चाहिए, बल नहीं लगने चाहिए। अब इसमें यहाँ पे मैं एक नॉट लगाऊंगी। अब एक नॉट हम इसके कॉर्नर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें गैदर्स ही रहनी चाहिए, ये प्लेन नहीं होना चाहिए या लपेटना नहीं है। दोनों साइड की नॉट आप बराबर टाइट रखें, वरना इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल गैदर्स डाल के हमने इसमें 3 नॉट्स लगा ली। अब हम इसे डाई करेंगे। दोस्तों, टाई एंड डाई में कपड़े को फोल्ड करने और उसको टाई करने का जो डिफरेंट मेथड है, उसी वजह से हर बार इसका लुक और टेक्सचर अलग अलग आता है। दोस्तों, इस नॉटेड एंड गैदर्ड पैटर्न को हम मुंगिया कलर में डाई करेंगे। मुंगिया मतलब सी ग्रीन कलर। और जब तक ये पानी बॉइल हो रहा है इसको हम पानी में डिप कर देंगे। दोस्तों, कलर बनाने का तरीका मैं आपको पहले भी कई बार सिखा चुकी हूँ। कपड़े की क्वालिटी और कपड़े के साइज के हिसाब से हमें बहुत थोड़ा सा कलर चाहिए होता है। अभी मैं मलमल पे ये सैंपल्स बना रही हूँ और ये भी एक रुमाल साइज का कपड़ा है, इसलिए हमें कलर की क्वांटिटी बहुत कम चाहिए। पिंच ऑफ कलर मतलब 1/8 टीस्पून कलर मैंने अलग से एक कंटेनर में पानी में घोल के छान के इसमें मिला दिया है। और कपड़े को पानी में डिप करना बहुत जरूरी है, जिससे ये कलर उस कपड़े पे एक सा आए। अगर हम सूखे कपड़े को इसमें डाल देंगे तो उसमें पैचेस बन सकते हैं। देखिए, कलर गर्म हो चुका है। अब हम इसको निचोड़ के खोल के इसमें डाल देंगे। और इसमें डालने के साथ साथ ही इसको चलाना बहुत जरूरी है, वरना कपड़े पर पैचेस आ जाएंगे। चलाना, पलटना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका कलर धीरे धीरे डार्क होता जाता है। स्टार्टिंग में कई बार हमें ऐसा लगता है कि कलर प्रॉपर नहीं आ रहा, लेकिन जब ये थोड़ी देर लगातार बॉइल होता है उसके बाद इसका प्रॉपर कलर आता है। अब इसको कम से कम 10 मिनट तक बॉइल होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे, पलटते रहेंगे। और कपड़े के साइज और पानी की क्वांटिटी के हिसाब से आप कंटेनर बहुत बड़ा लें, वरना ये सारा कलर बाहर भी आ सकता है। देखिए, धीरे धीरे ये डार्क होने लगा। देखिए दोस्तों, ये काफी डार्क हो गया है और इसका कलर बहुत सुंदर आया है। अब हम इसमें कॉमन सॉल्ट मिक्स करेंगे। कॉमन सॉल्ट मिक्स करने से पहले गैस को स्लो करेंगे, कपड़े को साइड में करेंगे और फिर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट मिक्स करने के बाद गैस को फिर तेज कर देंगे और अब फिर इसे 5-10 मिनट्स तक बॉईल होने देंगे। सॉल्ट डालते ही इसका कलर और डार्क हो गया। और अभी भी हम इसे बीच में चलाना और पलटना नहीं भूलेंगे।
देखिए ये काफी देर बॉईल हो गया है और इसका कलर भी बहुत सुंदर आ गया है। अब हम गैस ऑफ करके इसको निकाल लेंगे और साफ पानी से धो लेंगे। इसमें से रंग बिल्कुल निकलना नहीं चाहिए, जितना भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा कलर है सब हट जाना चाहिए। देखिए इसमें से अब बिल्कुल कलर नहीं निकल रहा। अब हम इसको ड्राई होने देंगे। देखिए ये गैदर्ड एंड नॉटेड पैटर्न अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब हम इसको खोलेंगे। दोस्तों खोलते टाइम आप ध्यान रखें कि ये नॉट हमने बहुत टाइट लगाई थी जिससे इसमें अंदर तक कलर ना जाए, इसलिए अब खोलने में भी हमें इसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन आप किसी भी पॉइंटेड चीज का यूज ना करें क्योंकि पॉइंटेड चीज से कपड़ा फट सकता है। इसको धीरे धीरे थोड़ा ढीला करके उसके बाद खोल लें। इसी तरह ये दोनों नॉट्स भी खोल लेंगे। देखिए इन ग्रीन स्ट्राइप्स के बीच में एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बन गया। देखिए मूंगिया कलर का कितना सुंदर इफेक्ट आया है। इसको हम कैसे भी टाई करके डाई कर लें, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट लुक आता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है, इसलिए इसके सारे पैटर्न ही बहुत खूबसूरत बनते हैं। ये हमने पतला कपड़ा लिया है इसलिए इस कलर का इफेक्ट भी इस पे फर्क आया है। यदि हम मोटा कपड़ा लेंगे तो उसका शेड थोड़ा फर्क आएगा। देखिए इसमें मैंने डायगनली गैदर डाल के उसके बाद नॉट्स लगाई थी। दोस्तों कपड़े में गैदर्स डालने की वजह से जो इसका पैटर्न बना है वो थोड़ा इररेगुलर सा बना है। तो अब आप ये बनाइए, नेक्स्ट वीडियो में एक और मैं नॉट का ही पैटर्न लेके आने वाली हूँ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन पर क्लिक करिए और यदि वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें और फॉलो भी करें। बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।